नमस्कार दोस्तों, मैं समर्थ वर्मा। आज इस YouTube चैनल पर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रो पर आपका बहुत बहुत आभार है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर फिर से आए। दोस्तों, आज मैं समर्थ वर्मा आपसे इस चैनल पे, गुरु जी के चैनल पे आपसे पूछूंगा गुरु जी कि अंगारक दोष क्या है और क्या अंगारक दोष से हमें कष्ट हमें यहाँ पे भोगने पड़ते हैं कि अंगारक दोष का हमें पता ही नहीं होता है। जो लोग अंगारक दोष से पीड़ित हैं आज के समय में, कि कैसे वो अंगारक दोष का निवारण कर सकते हैं। जैसे कि अंगारक दोष, हमें लगता है अंगारक दोष शायद मंगल के उनसे बनता है और मंगल के जो स्वामित्व होते हैं वह हनुमान जी होते हैं। तो कैसे हम, क्या हनुमान जी के ऐसे उपाय करें जिससे हम अंगारक दोष से मुक्ति पा सकते हैं और एक अच्छा जीवन हम आगे बिता सकते हैं जी, बताइए गुरु जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छा उठाया है, अंगारक दोष। इस टाइम में पृथ्वी पर अंगारक दोष का प्रभाव है और ये 23 अप्रैल से ही इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है और 31 मई तक बहुत खतरनाक रूप से इसका इफेक्ट है। अंगारक दोष तब बनती है जब मंगल पर राहु आ जाता है जी। दुनिया जानती है कि राहु को कंट्रोल कोई और ग्रह नहीं कर सकता है, सिर्फ मंगल ही करते हैं जी। लेकिन दोनों अगर एक ही राशि में एक साथ बैठ जाते हैं जी, तो महाविस्फोटक स्थिति बनती है जी। अब महाविस्फोटक में उसके परिवार में, उनके घर पे, उनके जिंदगी में, उनके समाज में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है जी। आपने देखा होगा अंगारक दोष में प्रायः रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं जी। या परिवार में मारपिटाई या कहीं और भी मारपिटाई की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है जी। कई बार धरती पे, जैसे बोलते हैं ना, धरती का फटना, भूकंप आना जी, इस तरह की बातें भी होती है। उपद्रव, दंगा जो शब्द है, ये अंगारक योग में चांसेस ज़्यादा होता है जी। आदमी का सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर की जो घटनाएं घटती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, बीपी हाई शूट कर जाना या क्या बोलते हैं उसको, क्लोटिंग हो जाना माइंड में, अटैक पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो अंगारक दोष का कारण क्या है कि देखिए, अग्नि तो आग है, राहु के अंदर बहुत ज़्यादा हवा है, याऊ याऊ तत्व है। दोनों अगर एक ही राशि में बैठते हैं तो हिंसा, उपद्रव और बहुत ज़्यादा झगड़ा, फसाद और विस्फोट की स्थिति बनती है और ये पृथ्वी पर बनी हुई है। अब किस राशि पर, किस जातक पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये सुन लीजिए। जिसकी जन्म कुंडली में जन्म से ही अंगारक योग बना है जी, या उनका मंगल नीच का है या मंगल खराब स्थिति में है जी, उनके ऊपर राहु का अटैक ज़्यादा ही आएगा। इसके अलावा हर आदमी के कुंडली में अलग अलग लग्नेश होती है जी, अलग अलग राशियों में, तो जी हर के ऊपर अलग अलग। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो जैसे कि मीन राशि पर, मीन राशि इस टाइम में अंगारक योग है जी, लेकिन उसका इफेक्ट ये मत समझिए कि उन्हीं को है, और राशियों पर भी पड़ेगा जी। कई राशियों पर भी पड़ेगा, जैसे मेष राशि भी हो गए तो सिंह राशि भी हो गए, ये सबके ऊपर पड़ेगा। अंगारक योग में सबसे ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम से दिखी जाती है जी। और जितने भी तनाव बढ़ता है परिवार में, और तनाव बढ़ने से कार्य होगा कि कोर्ट कचहरी का मामला होता है, मुकदमे दायर होते हैं जी, कोर्ट कचहरी होती है, ये सब अंगारक योग में बहुत ज़्यादा होता है जी। तो अंगारक योग को हम लोग बहुत अच्छा योग नहीं मानते हैं, अशुभ योग माना गया है जी। और अंगारक योग की शांति कराई जाती है। अब अंगारक योग की शांति कराने के लिए देखिए, मंगल और राहु मिलने से ही है जी, तो मंगल को भी शांत करना पड़ेगा जी, राहु को भी शांत करना पड़ेगा जी। और जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं जी, उन पर अंगारक दोष का प्रभाव कम पड़ता है जी। जो लोग हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाते हैं, तुलसी दल का सेवन करते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, सेवन करते हैं जी, तो उनके ऊपर भी अंगारक दोष कटता है जी। अब अंगारक दोष वाले आदमी को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, जय श्री राम 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 और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए जी। अब जैसे कि सबसे बढ़िया होता है इसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक का पाठ करना, इस तरह का पाठ हो लगातार करते रहें तो मंगल ग्रह से शांति मिलती है, बहुत कुछ लाभ मिलता है। और इधर आपको राहु को भी शांत करना है, राहु को शांत करने के लिए मैं प्रायः लोगों को बोलता हूँ कि कुछ दिनों के लिए ब्लू कलर का कपड़ा छोड़ दीजिए, कोका कोला, कोको ग्रह,
इस तरह की चीज़ें मिलती जुलती छोड़ दीजिए, दारू शराब छोड़ दीजिए। और उसको हम लोग बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि जौ गीला करके अपने सिरहाने के साइड नीचे रख दीजिए, सुबह उठ के किसी गमले में डाल दीजिए। कई लोग भैरव जी पे जाके प्रसाद भी चढ़ाते हैं, नॉर्मली लोग दारू चढ़ाते हैं और वो भी राहु काल में चढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा, अंगारक दोष में बड़े वो चढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा। ब्लू कलर हमने मना किया कि आप ना करें। इसके अलावा काली चिट्ठियों को पंजीरी देने से, कुत्ते को मीठी बिस्कुट खिलाने से या मीठी कोई भी भोजन खिलाएं, ऐसा नहीं कि उसको खाज खुजली हो जाए, माने एक नॉर्मल हिसाब से, तो इसे फ़र्क पड़ेगा। मछलियों को आटे की गोली डालने से, कौवे को नमकीन खिला दी जाए, गांव में लोग चूड़ा और दही भी कौवे को खिलाते हैं, इसे भी फ़र्क पड़ता है। हरी मूंग भिगो के कबूतरों को भी खिलाई जाती है, इसे बुध के साथ साथ राहु को भी शांति मिलती है। इसके अलावा शिव जी की जो लोग आराधना करते हैं तो नवग्रह मंडल जो है शिव जी के अधीन है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। लेकिन अंगारक दोष छोड़ देने पे डर बहुत रहता है, सबसे ज़्यादा डर होता है रोड एक्सीडेंट की, कोई बुरी अप्रिय घटना बर्दात इस तरह की चीज़ें हो ना जाए। अब अभी सामान्य तक ये देखा गया है कि 31 मई तक, इसी महीने के लास्ट तक अंगारक योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब इसमें किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे तो बहुत अच्छी बात तो है नहीं। पति पत्नी में, जैसे पति पत्नी में तनाव चल रही है किसी कारण से, अचानक क्या होगा, मारपिटाई हो जाएगी, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, फौजदारी हो जाएगा जी। इसका भाई भाई में किसी बात को लेके है प्रॉपर्टी संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएगा जी। या भाई भाई में किसी बात का, भाई भाई में तो प्राय यही होता है प्रॉपर्टी का, वहाँ विस्फोट हो जाएगा। ब्लड में बहुत तगड़ा कोई इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो अंगारक दोष को हम लोग कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं जी। आगे कभी मौका लगा तो मैं गुरु चंडाल का भी बताऊंगा, लेकिन इस टाइम में अंगारक दोष का सब्जेक्ट आपने लिया है जी। कि ये कितना खतरनाक है तो मैं ये बताऊँ, बहुत बड़ा विनाशकारी स्थिति है जी। 31 मई तक के लिए हर आदमी को प्रभु श्री राम को और हनुमान जी को तुलसी चढ़ानी चाहिए और तुलसी सेवन भी करनी चाहिए। संडे को न करें, अमावस को न करें जनरल, माने ये तो परहेज सब जानते हैं। बाकी श्री राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, श्री हनुमन्ते नमः, श्री हनुमन्ते नमः, एक मंत्र है अंगारक का जो सबसे कामयाब मंत्र है, उसको बोलते हैं ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंगार अंगारकाय नमः, हाँ, ओम अंग अंगारकाय नमः जी। अंगार क्या होता है ये सब जानते हैं, जलती हुई अग्नि को अंगार बोलते हैं जी। तो अंगारक योग जो है बहुत अच्छी, जितनी बातें मैं बताया हूँ उससे ज़्यादा ही इसका बैड इफेक्ट पड़ता है जी। कुछ साइलेंट भी बैड इफेक्ट ऐसे हैं जो बाद में आप महसूस करेंगे, बेशक अंगारक योग बदल जाए जी। तो बेसिकली भी गुरु जी आपने मीन राशि में बताया इसका प्रभाव, नहीं वो मीन राशि में लगा हुआ है जी, ये मतलब कि इसी में मंगल आ गए जी, राहु जी विराजमान है जी पहले से जी, तो जी, इस तरह की स्थिति बन गई है जी। फिर ये 31 मई को दोनों अलग अलग हो जाते हैं जी, तो साइलेंट हो जाएगा जी, प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन जन्म से भी किसी की अंगारक दोष है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर के भाई इसकी शांति पूर्ण करा लेना। तो जो जन्म से होता है गुरुजी, और जो ये आप बता रहे हैं कि 31 मई तक है, तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब कि ये तो ऐसा है, देखिए ये ओकेजनल ग्रह गोचर के अनुसार लग गया जी, बिल्कुल, तो इसका फर्क एकदम आ गया और पड़ गया जी। और उसका पूर्व निर्धारित है जन्म से, अगर अंगारक दोष है जी तो शुरू से ही मतलब ये समस्या ऐसा ही समस्या थोड़ी थोड़ी रहती है जी। और इस टाइम में उसी का समय आ गया जी, तो महाविस्फोट, तो उसको क्या बोलते हैं, महाविनाशकारी महाविस्फोटक स्थिति बन जाती है। तो इसकी पूजा कर लेनी चाहिए, इसको शांत कर देना चाहिए। इनका जो भी दान दक्षिणा हो जी वो आपको करना चाहिए। मंगल को तो आपको पता है कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा गुड़ अगुड़ से चीज़ों से मंगल ग्रह को भी शांत किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि मंगल ग्रह के आधिपत्य हनुमान जी के अंदर रहता है, तो हनुमान जी को बीच में ला दीजिए
और हनुमान जी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं प्रभु श्री राम का। और राहु के लिए मैंने आपको बताया कि राहु के लिए आप नीला चीज, जौ की बात आपको बताया, कई लोग तांबे का कड़ा पहन लेते हैं, तांबे के लुटिया में पानी पीना शुरू कर देते हैं या तांबे के गिलास हैं अंगारक दोष वाले को, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और आपने देखा होगा कि केसरिया कलर का कई टीका लगाते हैं जी जी अपने को स्वस्थ। हाँ जैसे गुरु जी आप बता रहे हैं, इसमें मैंने कुछ लोगों का देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अंगार का है ये, जैसे अंगारक दोष आप बता रहे हैं चल रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मंगलवार की फास्टिंग रखना शुरू कर देते हैं ताकि हनुमान जी प्रसन्न हो उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, लेकिन वो भी फास्ट रख सकते हैं, वो सबको मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि मंगल की स्थिति क्या है। जी जी, अगर मंगल बहुत खराब है जी तो उसको बढ़ा देने से नुकसान हो सकता है, तो बैलेंस में भी तो ऊर्जा रखनी है। बिल्कुल जी भाई, हनुमान जी उतर के आपको कोई भी मदद डायरेक्ट तो नहीं करते, संजोग बना देते हैं फेवर में उनकी आराधना करने से, तो वो स्थिति देख के ही व्रत करना चाहिए। सब व्रत सबको सूट नहीं करता जी। और एक आदमी शुगर का पेशेंट है, फास्ट वो रह नहीं सकता जी। और उसको आप व्रत करा दीजिए तो नुकसान ही होना है जी। तो इसलिए कहते हैं कि इसको देख के आप व्रत कीजिए। तो दर्शकगण, मेरा यही अनुरोध है कि प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, हनुमान जी के चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक कर लीजिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तुलसी जी का सेवन कीजिए और प्रभु श्री राम और हनुमान जी के समक्ष बैठ के आसन लगा के बढ़िया से ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला जाप कर लीजिए और वो भी पर डे लगातार करते चले जाइए और 31 मई तक जरूर कीजिएगा इस साल को, तो अंगारक दोष का बैड इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ी बहुत मियाँ बीवी में तनाव है तो पता चला कि वो मारपिटाई में गई, कोर्ट कचहरी में गई, दंगा फसाद भी होते हैं, उपद्रव होते हैं, छीना झपटी भी हो जाती है, तो उस आदमी को इस तरह की सबसे डर रहता है रोड एक्सीडेंट का जी। या किसी दो चीज़ों का टकराव से जी। या कोई दुर्घटना रोड की न हो जाए, तो इस तरह से इसको बचाना चाहिए। और मैं परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी आदमी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है अंगारक दोष की, तो कृपया उसको शांत करने की कृपा करें। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग भी प्रभु श्री राम के शरण में आए और हनुमान जी के शरण में आए, अंगारक दोष की शांति स्वयं ही करें। बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान जी। और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सभी उपाय बताए हमारे दर्शक गण को, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये उपाय से जरूर लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको भी ये सब समस्याएं हो रही हैं और आप इन समस्याओं से परेशान या जूझ रहे हैं, बहुत परेशान कठिनाई आपको मिल रही है इस समय, तो आप ये उपाय करें। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है, आप हमारे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस बारे में एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हमारे लिए उचित रहेगा करना और क्या नहीं। आशा है कि आप सभी खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम।